शांतनु राय और मैं यहाँ पे रीजनिंग की सीनियर फैकल्टी। मैं आपके यहाँ पर रीजनिंग के कुछ बहुत ही शानदार बहुत अच्छे रूल्स सिखाऊंगा, कुछ गुर सिखाऊंगा रीजनिंग के, जिससे हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन पर हम काफी ज्यादा फोकस कर पाए। आज जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। टॉपिक हालांकि बहुत छोटा है लेकिन उसकी जो रेलेवेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। रीजनिंग का पहला ही टॉपिक माना जाता है उसे जिसे हम कहते हैं रीजनिंग की भाषा में अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। ये टॉपिक आप लोग हेडिंग करेंगे अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। ये जो टॉपिक होता है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में इसकी वेटेज जो होती है कहा जाए तो आज के दौर में 5 मार्क्स की होती है। और आप इस बार जब प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। इस टॉपिक में आपको अल्फाबेटिकल के साथ साथ मिसलेनियस सीरीज आपको फोकस करनी होती है। आपको मैं बता दूं जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है आपको बताऊंगी हमारे पास वी हैव ओनली 26 लेटर्स है ना। कौन कौन से लेटर होते हैं हमारे ए से लेकर जेड तक, ये हमने बचपन से पढ़ा है। हमें आज इसमें कुछ अलग से पढ़ना है। आपको मैंने बचपन से देखा होगा पढ़ते हुए, आपने खुद ही पढ़ा है कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल हमने अच्छे से सीखा है, लेकिन आज यहाँ पर इन्हीं का लेवल थोड़ा सा अपिश स्टेज में लेके चलेंगे। जैसे एग्जाम में जो आजकल पूछी जाती है वो मिसलेनियस सीरीज पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको मिसलेनियस पढ़ना होता है तो आप सबसे पहले अल्फाबेटिकल को फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज अल्फाबेटिकल सीरीज में आती क्या है, हम यहाँ पर हमें पता है कि ए बी सी डी, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, 5 वॉवल होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये सारी चीजें हमें पता है। हमें पढ़ना क्या होता है इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू। जैसे हमने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल में ए कौन से नंबर पे आता है, तो कौन से पे आएगा फर्स्ट पे। हमने कहा एम कितने पे आएगा 13 पे। हमने कहा जेड कितने पे आएगा 26। ये हमने पढ़ा है, ये हमें पता है, ठीक है। तो आज हमें इन्हीं चीजों को फोकस करना होता है कि इस अल्फाबेटिकल सीरीज में ये जो लेटर हैं इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है और इनके ऑपोजिट लेटर क्या होते हैं। जैसे हमने कहा ए का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, हमें पता है ए के बाद ए का जस्ट ऑपोजिट जेड होगा। क्यों? क्योंकि इस अल्फाबेटिकल सीरीज को हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो एक पेयर बनता है 13-13 का है, जो फर्स्ट ए टू एम होते हैं, पहले हिंदी में फर्स्ट पहला अर्धांश कहते हैं, और लास्ट जो हमारा वो होता है लास्ट 13 लेटर होते हैं वो एंड टू जेड होते हैं। यानी शुरू के जो 13 लेटर होते हैं वो लास्ट के 13 के ऑपोजिट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें फोकस करें तो इस 13 लेटर को हम कैसे फोकस करेंगे, कैसे इनकी प्लेस वैल्यू याद करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल सा बड़ा जाना पहचाना सा एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। आपने इसके बारे में काफी अच्छा सुना होगा। वो फॉर्मूला हमारा होता है ई जोटी का, सबने पढ़ा होगा इस बारे में ई जोटी। इस फॉर्मूले को हम लिख लेंगे और इस फॉर्मूले से हमें कहीं ना कहीं एक बहुत हेल्प मिलती है इन लेटर्स को याद करने की। ई जोटी एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि 5 के मल्टीपल में होता है, जैसे ई 5, 10, 15, 20 एंड। यानी अगर हम एबीसीडी को पढ़ेंगे तो 5वें नंबर पे हमारा ई आएगा, 10वें पर जे आएगा, 15 पे ओ आएगा, 20 पे टी और 25 पे वाई। यानी 5 लेटर 5 की सीरीज लेके चलते हैं, ठीक है। अब मान लो इस हमने क्वेश्चन पूछा कि बताइए 7th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो ई से दो आगे 5, 6 और 7 क्या जाएगा जी। हमने पूछा 21st पे कौन आएगा, यू। क्यों? क्योंकि 20 पे हमारा टी है, टी के जस्ट बाद का नंबर होगा हमारा यू। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम आसानी से उसको याद कर पाते हैं। मैं एक आपको पर्सनल सजेस्ट करूं तो आप इसको ना भी याद करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप जब आप एग्जाम में जाते हैं तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप अपने रफ शीट पर मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो अल्फाबेटिकल सीरीज पर बेस्ड होगा तो आप इस फॉर्मूले से चीजों को फोकस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कि ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। हमने कहा कि 7वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा, हमने कहा 12वें पे कौन सा होगा, अब 12th बोला तो हम 10th के नियरेस्ट जाएंगे, 10 से 2 आगे तो जे के बाद के और एल। हमने कहा कि 23rd पे कौन होगा, या तो 25 से 2 पीछे या तो टी से 2 आगे। यानी वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड रिगार्डिंग ई ज्योति। ई ज्योति के अकॉर्डिंग हम पूरे 26 लेटर्स को कवर अप करते हैं। ये 26 लेटर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब मैं बात करूं अगर इनकी प्लेस वैल्यू के अलावा तो वो होती है ऑपोजिट लेटर की।
ऑपोजिट लेटर की, ऑपोजिट लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको सबसे पहले रीजनिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताऊं तो किसी भी लेटर का अगर तुम ऑपोजिट निकालने जा रहे हो, किसी भी लेटर का अगर तुम ऑपोजिट निकालने जा रहे हो तो रीजनिंग ये कहता है कि आपको उस लेटर का अगर ऑपोजिट सीखना है तो उसका फॉर्मूला ने दिया कि 27 में से जो भी आपका लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू ऑफ अ गिवन लेटर, जिस भी लेटर को भी आपको ऑपोजिट निकालना है तो उसको 27 में से आप माइनस करते हैं तो आपका प्लेस वैल्यू निकल जाता है। लेकिन ये काफी ओल्ड फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अगर आप प्रीफर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें, हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एस, कि एस का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमको पता है कि एस का ऑपोजिट क्या होता है, एस हमको पता है। मान लो अगर इस फॉर्मूले के थ्रू निकाले तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 27 में से इस गिवन लेटर की क्या लिखते हैं, बेस वैल्यू, और एस कौन से नंबर पे आता है, दो मतलब लगे किसकी, इसकी, तो टी के जस्ट पहले एस होगा। अगर टी 20 पे है तो एस कितने पे होगा, 19, यानी इसकी वैल्यू आ गई 19। अब 27 में से 19 का कितना बचा, 8, यानी एच 8 पे कौन सा लेटर आएगा, एच। ये हमारा अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम इसके थ्रू कभी भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी पुराना है और इसके थ्रू आंसर अगर आप निकालते हैं तो कहेंगे बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको कैसे करना मैं बता रहा हूँ, या थोड़ा लिख लीजिएगा क्योंकि आपको अगर किसी को बताना हो तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको जो देने जा रहा हूँ ऑपोजिट लेटर याद करने का, वो क्या है, इसको सब लोग जरूर लिखें। वो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा फॉर्मूला, लिखिएगा उफ, हाँ, लव बाई शर्ट पीके क्यूजे। ये कैसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम आसानी से टोटल 26 लेटर ऑपोजिट फॉर्मेट में याद करते हैं। ये फॉर्मूला जरूर लिखें, उफ लव बाई शर्ट जी पीके क्यूजे, इसको लिखिए आप लोग। लिखा आपने, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उफ लव बाई शर्ट जी पी के क्यू जे, इससे मिलके हम आपको 21 लेटर बहुत ही आसानी से याद कराएंगे ऑपोजिट फॉर्मेट में। लेकिन बचे कितने लेटर आपके, ऑलमोस्ट 5। इन 5 लेटर को आपको ओरली याद करना पड़ेगा और ये बड़े कॉमन से, जैसे हमने कहा ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, वेल नोन है, बी का, सी का, डी का, ये ऐसे 4 लेटर होते हैं जिनका ऑलमोस्ट हमें याद होता है। जैसे फिर से मैं आपसे पूछूं, जेड का, वाई का, सी का, डी का, एम का, एम एक ऐसा लेटर है कि उसके बाद जो लेटर आता है वही उसका क्या होता है, ऑपोजिट। जैसे एम के बाद क्या आता है, एम का ऑपोजिट एम हो गया। फिर से शुरू करते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, एम का, ये हमारे 5 वेल नोन लेटर्स हैं जिनको हमने याद कर लिया, ऑलमोस्ट याद हो गया आप लोगों को। एक बार फिर से पूछूंगा, एम का बताया, एल का, ये इस लेटर इसके थ्रू करेंगे। अब इसको छोड़ते हैं, जरा सोच से फिर करते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, एम का, बस आपको ये 5 लेटर मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को जरा हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे क्या लिखा है, उफ लव बाई शर्ट जी पी के यू जे। ध्यान से समझिएगा, आपको उफ से याद रखना होगा यू का ऑपोजिट क्या होगा, एफ का यू, लव से याद रखना होगा एल का ऑपोजिट ओ का, वी का ऑपोजिट ई का, ये हमने अभी याद किया, बी का वाई, शर्ट की स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से याद होगी, इस शर्ट की स्पेलिंग से याद रखना आप, एस का ऑपोजिट एच का, आई का, आर का, टी का, जी का, ठीक है, याद रखिएगा, शर्ट से एस ए का ऑपोजिट एच, आई का, आर का, टी का, जी का, हमने पी के मूवी सबने देखी है, बहुत अच्छे से देखा है।
तो पी के मूवी से आप ध्यान रखिएगा पी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा के और के का पी। अब रहा सवाल क्यू जे का, तो नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं क्यू जी कैसे है क्या हाल है, उस क्यू जी से हम याद करेंगे क्या क्यू जे, क्योंकि जी तो हमने ऑलरेडी पहले बोल दिया है, जी के सिमिलर कोई लेटर हमें मिला तो जे, तो क्यू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर जे, और जे का फिर से देखते हैं यू का एफ का एल का ओ का बी का बी का एस का क्यू का पी का ए का बी का सी का डी का एम का एल का एस का आई का टी का जी। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको 26 लेटर्स अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आसानी से याद हो गए होंगे, याद हो गया सबको। चलिए अब जरा आगे मूव करते हैं। ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो आगे हम बताने वाले हैं आपको जो सीरीज बताने वाले हैं अल्फाबेटिकल और मिसलेनियस, इसमें बड़ी हेल्प होती इस लेटर्स के अगर ऑपोजिट आपने याद कर लिए। इसके बाद एक टॉपिक आपका हुआ कोडिंग डिकोडिंग, वो भी इस पे बहुत डिपेंडेंट है। आप लोग अपने कॉपी में एक सीरीज लिखेंगे जो अल्फाबेटिक सीरीज होगी, लिखिए जरा सब लोग एक अल्फाबेटिक सीरीज ए से लेकर जेड तक आप लोग लिखेंगे। इस अल्फाबेटिक सीरीज में ए से लेकर जेड तक लिखिए, कोशिश करिएगा एक ही लाइन में आ जाए। हो गया? चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, इसमें इस अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन कैसे आप बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए इस अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर हैं? बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन। इस पूरे 26 लेटर में कितने आपके वॉवेल हैं? कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21। पांच वॉवेल कौन है? ए ई आई ओ और यू है। वेरी गुड। कॉन्सोनेंट आपको पता है, इन ए ई आई ओ यू को छोड़ दें तो बाकी बची सारी चीजें क्या होंगी? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे कितने वॉवल हैं? ध्यान से सुनिएगा, इस अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे कितने वॉवल हैं जो कि जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है और तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट है? ऐसे कितने वॉवल हैं जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है, तुरंत बाद में एक कॉन्सोनेंट है? ध्यान से और समझ के आंसर बताइएगा। फोर है। माई क्वेश्चन इज, वॉवल ऐसे कितने हैं जिनके तुरंत बाद और तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो? तो पहला वॉवल कौन सा है? ए। इसके बाद में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्या इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। फिर बचा क्या? ई आई ओ यू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली फोर। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर चार ऐसे वॉवल हैं जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है और तुरंत बाद में कॉन्सोनेंट है। Got it guys? चलिए आगे चल चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन, इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत पहले एक वॉवल है? ऐसी इस सीरीज में कितने वॉवल हैं जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है? How many such vowels in that series which is immediately preceded by a consonant? क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट बोला गया है जिनके तुरंत पहले वॉवल है, तो सर यहाँ पर बी को हम अज्यूम करेंगे, एक ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके तुरंत पहले क्या है? वॉवल। अब ऐसे बाकी जो भी हमारे वॉवल होंगे उनके पहले क्या कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ से टोटल आंसर क्या जाएगा? फाइव। ये समझ में आ गया आपको? नॉर्मल क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा आपको बताऊं, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कभी भी इन क्वेश्चंस को आप करने जाएं, कभी भी इन क्वेश्चन को करने जाएं एग्जाम में, हालांकि आपका एग्जाम डिस्प्ले पर होगा, तो ध्यान दीजिए डिस्प्ले पर भी आप ये चीज कर सकते हैं। कभी भी अगर सीरीज आई तो पहले उस सीरीज को आपको पांच पांच के पेयर में डिवाइड करना होता है। कैसे ही मैं आपको बताऊं, जैसे हमने सीरीज को कहा एक दो तीन चार पांच, पांच के पेयर में इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। इसका फायदा क्या होगा आपको बता रहा हूं, जैसे इसको ब्रेक करते हैं एक दो तीन चार पांच, ऐसे ब्रेक किया एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, लास्ट में क्या बचा एक। या एक इसको आप न भी करें, इसको छह रहने दें, बाकी सब कितने हैं? पांच पांच के पेयर।
अब एक बात बताइए, इस पूरी सीरीज में लेफ्ट एंड क्या है? लेफ्ट एंड कौन सा है? ए की जेड कंफर्म। राइट एंड कौन सा है? जेड। सबको पता है अच्छे से। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इस पूरी सीरीज में लेफ्ट हैंड से 17th लेटर कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? अब आपको यहाँ पर अगर इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन हालांकि जो एग्जाम में हमसे पूछी जाएगी वो मिसलेनियस सीरीज होगी, जिनमें आपको लेटर्स के साथ साथ सिंबल और नंबर भी होंगे, तो वहां पर थोड़ा आपके लिए दिक्कत होगा। तो मैं आपको बताऊं, चलिए यहाँ पर बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ई जोटी के अकॉर्डिंग ओ किस पे आता है? 15 पे। तो 16 पे क्या आएगा? बी। और क्यू किस पे आएगा? 17 पे आएगा। तो हमने लेफ्ट से 17 बता दिया क्यू। अब मेरा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राइट से 19th पे कौन सा लेटर आएगा, अगर राइट हैंड से 19th पे कौन सा लेटर आएगा? आपने बड़ा सही आंसर दिए। मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन इस तरह के राइट हैंड साइड से पूछेगा तो आप तो नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ये पता कितने हैं? 6। इसको 5 अज्यूम करो, 5 10 15 और ये 20, कहां तक निकाल रहा है हमको? 17। यानी भाई 20 हुआ तो 17 यहीं तक होगा, अगर इसको हमने 5 माना तो। लेकिन एक्चुअली करना क्या, इसमें 6 है ना, तो एक और कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? छोड़िए, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। कभी भी आपको अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में राइट से कोई भी डिजिट पूछी जाए तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए लेफ्ट से, कि लेफ्ट से 19 पे कौन सा होगा, लेफ्ट से 19th पे कौन सा लेटर होगा। अब क्या बताइए, लेफ्ट से 19 क्या होगा? ई छोटी के अकॉर्डिंग हमको पता है कि टी कौन से पे होता है? 20। अगर टी 20 पे होगा तो एस किस पे होगा? यानी लेफ्ट से 19th पे कौन सा लेटर है? एस। अब बस इसी का ऑपोजिट आप कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस का ऑपोजिट एच, यानी आंसर हो जाएगा एच। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 6, 6, 5, 11, 11, 5, 16 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 17, 18 और ये 19, आंसर हो जाएगा हमारा एच। यानी अगर राइट से आपको पूछता है तो आपको क्या करना होता है, राइट से पूछे तो उसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो और जस्ट उसको ऑपोजिट। जैसे कि एग्जांपल कि बताइए राइट से 23rd पे कौन सा लेटर होगा, राइट से 23rd पे कौन सा लेटर होगा, क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इसको अगर हम कन्वर्ट करें लेफ्ट से 23rd तो क्या होगा, लेफ्ट से क्या होगा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का ऑपोजिट आंसर क्या हो गया? टी। ये समझ में आई बात आपको? एक सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, इसी मतलब चीजें हम बढ़ा दें, चीजें कैसे बढ़ा दें देखिए जरा। अगर हमने कहा इस पूरी सीरीज में लेफ्ट से 17 के राइट 5th पे कौन सा लेटर होगा, लेफ्ट से 17 के राइट 15 पे कौन सा लेटर होगा, बाएं से 17 में के दाएं पांचवा लेटर कौन सा होगा? चलिए हम आपको बता दूं, एक सिंगल आंसर आना चाहिए सबका। लेफ्ट से 17 बोला तो लेफ्ट से 17 कैसे करेंगे, 5, 10, 15 ये क्या हो गया? 17 हो गया लेफ्ट से, के राइट 5th। अब इसका राइट कहां होगा? आपके राइट में। इसका लेफ्ट आपके लेफ्ट में, राइट मतलब आपको और आगे जाना है, कितना जाना है? 5। 1, 2, 3, 4 और 5 आंसर क्या गया? समझ में आया आपको? कुछ इस तरह से इनका आंसर निकालना था। जरा आगे देखेंगे, हमने पूछा राइट से 19 के लेफ्ट 3 पे कौन सा लेटर आएगा, राइट से 19 चेक कर लें। अब राइट से 19 पहले लेफ्ट से करो क्या, एक काम करते हैं, राइट से 19 हमने बोला ये 6, 6, 5, 11, 11 और 5, 16, 16 और 17, 18, 19 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या बोला गया, राइट की लेफ्ट, हमको लेफ्ट और आगे जाना, कितना? 3, 1, 2, 3 आंसर क्या हो गया? ई हो गया। लेकिन ये प्रोसेस जो हमने की काफी ज्यादा काउंटेबल है, गिनना जाता है इनको, हम गिनते हैं, टाइम टेकन होता था। एग्जाम में हम इन क्वेश्चंस को देख के आंसर कैसे दे सकते हैं, मैं आपको बताऊं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं
अब आपके सामने कैसे सॉल्व करूंगा, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, एक सूत्र दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप कभी भी मिसलेनियस सीरीज हो, अल्फाबेटिकल सीरीज उसको करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है कि कभी भी अगर लेफ्ट से लेफ्ट आप जाते हैं तो याद रखना इनके बीच में हमेशा माइनस करते हैं, अगर आप राइट से राइट जाते हैं तो भी क्या करते हैं माइनस करते हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्लस करेंगे और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी प्लस करेंगे। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें आंसर आता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आंसर आता है, जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके थ्रू आपको हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसको नोट करें सब लोग। आपको बहुत अच्छे से पता है 17 पे कौन सा लेटर होता है, आंसर हो गया।
समझ आया बात आपको? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पेन बिल्कुल आप ड्रॉप करें और ध्यान से इसका आंसर नहीं देख के बताएं। हमने कहा क्वेश्चन, हमने बोला देखिए क्वेश्चन, आप जरा सा क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड इन दैट सीरीज, इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड इन दैट सीरीज, इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड इन दैट सीरीज, यदि इस श्रृंखला के सभी स्वर को हटा दिया जाए, if all the vowels are dropped in that series, यदि इस श्रृंखला के सभी स्वर को हटा दिया जाए, then solve this expression, तो इस समीकरण को हल कीजिए, then solve this expression, तो इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या देखेंगे आप लोग, राइट से नाइन्थ, के लेफ्ट थर्ड, के राइट फर्स्ट, के लेफ्ट थर्ड, के लेफ्ट फर्स्ट पे कौन सा लेटर आएगा? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, राइट से नाइन्थ, आर नाइन एल थ्री, आर वन एल वन, आर वन एल थ्री एक्चुअली, और लास्ट में एल वन है। बताइए क्या आंसर आएगा? जितने का उतना आंसर। हाँ, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। जी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले इनको सॉल्व करना सीखो। अब शुरुआत किससे है इसकी? आर से, यानी राइट से। आगे अगर एल आएगा तो क्या करेंगे? प्लस, और आर आएगा तो माइनस। ठीक है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 में से 1 गया, 11 और 3, 14 और 1, 15 फ्रॉम राइट से 15। लेकिन कंडीशन क्या है, वॉवेल क्या है? वॉवेल ड्रॉप है। ठीक है, वॉवेल ड्रॉप है। अब ध्यान से देखिए, राइट से 15, सर 1 2 3 4 5 ये हट गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 पे कौन सा लेटर आ गया? जी। आंसर इसका हो जाएगा जी। ठीक है, तो ध्यान से और सुटेबल तरीके से आंसर दें। चलें आगे। अभी तक तो आपने देखा अल्फाबेटिक सीरीज हमने की। अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आने जा रहा हूँ जो एक तरह से आपकी एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी मिसलेनियस सीरीज। तो अब हेडिंग डाले आप लोग, मिसलेनियस सीरीज, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं और इनको आप ध्यान से करेंगे। लिखिए मिसलेनियस सीरीज। क्वेश्चन और लिखते हैं मिस लेनियस सीरीज का। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक सीरीज हम दे रहे हैं, जैसे लिखते चलेंगे आप लोग भी साथ साथ, बी के टू फाइव, बी के फाइव एक्चुअली है, बी के फाइव हैश MA3R percentage, J2DEN @7W, 8 copyright 9 PTIVF6। यह मिसलेनियस सीरीज थोड़ा बड़ी होती एग्जाम के लिए, यहां से तो आप इसको ध्यान से देखना और पूरे एक एक करके अच्छे से लिखना।
61 HQ star और लास्ट है Y4 dollar। मैं फिर से बोल रहा हूं, देख के कर लेना आप लोग। Y4 और डॉलर, ये आपकी सीरीज है स्टार Y4 डॉलर। कभी भी आपको ऐसी सीरीज मिले तो पहले आप सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, फिर से ध्यान रखना। सबसे पहले इनको आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कितने के मल्टीपल में, 5 के। ये काम आप सबसे पहले किया कीजिए, इनसे क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ब्रेक किया, लास्ट में कितने बचे, 3। अब ध्यान से देखिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन आप लिखेंगे, How many symbols are there in that series? इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? Which is immediately preceded by a number, इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अंक, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और जिनके तुरंत बाद एक क्या है, अक्षर। ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल हैं, जिनके तुरंत पहले एक नंबर और तुरंत बाद एक लेटर, आप जरा बताइए देख के। कितना आएगा, 1 2 1 1 2 1। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इसको समझते हैं जरा सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि अब देखो, आपने 5-5 में इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आसान होगा। हर एक पार्ट में आप चेक कर लीजिए कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले क्या है, नंबर। तो सिंबल इसमें दिख रहा क्या सर? हाँ, ये मिल गया एक सिंबल। इसके तुरंत पहले एक नंबर है और क्या तुरंत बाद एक लेटर है? तो सर एक पहला हमको मिल गया ये। आगे चेक करें, इसमें सिंबल है क्या? है। तो क्या इसके तुरंत पहले एक लेटर है, सॉरी नंबर, ये नहीं होगा। आगे देखो, इसमें क्या नंबर है पहले? नहीं है। इसके पहले नंबर है? जी हाँ। क्या लेकिन तुरंत बाद लेटर है? इसमें भी नहीं होगा। आगे कहीं आपको सिंबल दिख रहा? हाँ। इसके पहले क्या नंबर है? नहीं है। इसके पहले नंबर तो है लेकिन क्या लेटर है? तो आंसर क्या होगा हमारा सर? 1। आंसर आ गया इसका 1। समझ में बात आपको? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा, हमने कहा, क्वेश्चन क्या, If all the symbols are dropped in that series, यदि इस श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, then solve this expression, तो इस समीकरण को हल कीजिए। Then solve this expression, तो इस
समीकरण को हल कीजिए। और समीकरण आपके सामने कुछ यूं है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट माइंड से सिंगल आंसर बताइए। लेफ्ट 9, राइट 3, राइट 1, लेफ्ट 3 और राइट 1, ये होगा। सारे वॉवल्स को हटाना है, सिंपल ई। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको चेक किया हमने तो क्या मिल गया, सॉल्व करने पे क्या आया, क्या आया चेक करते हैं। लेफ्ट से अगर शुरू हुआ है तो आगे अगर आ रहेगा तो प्लस, 9 और 3 11, 11 और 1 12, 12 में से 3 गया 9, और 9 और 1 11, 11 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 11। लेकिन याद रखना है इसमें हमको क्या ड्रॉप करना है, सिंबल। तो गिन जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या गया, आंसर विल बी ई। तो उम्मीद है मुझे ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से आगे इसी कॉन्फिडेंस और इसी सीक्वेंस के साथ आगे चीजों को करते रहिए, और इस टॉपिक को और हर टॉपिक को जो आपके टॉपिक एग्जाम में आएंगे उनको अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए एग्जाम को क्वालिफाई करिए। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।